लवली। जो झील नंबर 3 है इसके अंदर से ताज़ी फिश निकाल रहे हैं और वो फॉर सेल है। वाह यार, ये तो बड़ी ज़बरदस्त है, इसी की तलाश में आए थे। आलू वाले बीज ज़्यादा पाना ज़रा। तो आज मौसम बहुत ही खूबसूरत है, तो मैं आज रास्ते में एक ट्रेडिशनल नाश्ता किए बगैर तो आगे नहीं जाऊंगा, तो अभी नाश्ता करते हैं। फिर बारिश हो रही है हल्की, और ये हल्की बारिश बहुत ही इंजॉयबल होती है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? हलवा पूरी है जी। जी यार, मुझे एक वो थाल बना, एक नाश्ता बना के, लेकिन ऊपर कुछ रख के लाना ताकि बारिश ना पड़ जाए, हो गर्म और फूली हुई पूरी हो। ठीक है, लस्सी? नहीं नहीं लस्सी नहीं आज, इसके चाय है, दूध पत्ती कड़क मशीन वाली। अच्छा चलो, मशीन वाली ले आना, कड़क कार्डियम या कश्मीरी? कार्डियम। थैंक यू। वाओ, वैसे तो इनके पास चाय नहीं मिलती, लेकिन आज जो है वो चाय भी मिल गई है। वल्ला लो जी, लगता है कि नाश्ता आ गया है। वाह जी वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त भाई, थैंक यू वेरी मच यार, थैंक यू। चाय बाद में लाओगे? चाय ये साथ है। ओ अच्छा अच्छा, थैंक यू बहुत। अगर आप ट्रे देनी देना चाहें तो मैं ले सकता हूँ। रहने दो, इसमें ज़रा हैंडल करने में आसानी हो जाएगी। थैंक यू। वाह, ये बरसती बारिश और ये नाश्ता, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। देखिए बारिश का नज़ारा, ओह लवली, बड़ी ज़बरदस्त लग रही है जी ये चाय, कार्डिमम चने। वाह हलवा, आलू की भाजी, वाह वाह वाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाह सुभानअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जबरदस्त, बिस्मिल्लाह। क्या बताऊं कि कैसा नाश्ता है आपको, वैसे देख के पता चल रहा होगा लेकिन खाने से ज़्यादा पता चलेगा। क्या ही बात है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हलवा चेक करना चाहिए। सूजी का हलवा, वाह। परदेश में रहने वालों को ये जो नज़ारा है ये बड़ा दिल को भाता होगा, आई एम श्योर। ये देश की सौगात है, सुभान अल्लाह। लवली, ये बहुत टेस्टी है। अब मैं चाय पीऊँगा। ज़बरदस्त चाय, शायद मौसम का भी असर है। बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया, बड़ा बेहतरीन नाश्ता कराया आपने, जज़ाकअल्लाह खैर, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त अयूब नेशनल पार्क में आया हूँ, और एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। आया तो मैं बारिश में ये मंज़र देखने के लिए हूँ, लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ आगे जो झील नंबर 3 है इसके अंदर से ताज़ी फ़िश निकाल रहे हैं और वो फॉर सेल है। तो चल के देखते हैं कि फ़िश हमें आज इस मौसम में बारिश में मिलती है या नहीं मिलती।
मैं यहाँ पे मछली लेने के लिए आया था, सुना था कि मछली यहाँ से इस झील से निकाल के दे रहे हैं, तो आज उन्होंने कहा कि जी बारिश की वजह से हमने बंद की हुई है, सिर्फ स्टाफ को दे रहे हैं। उन्होंने कहा यार हमें भी दे दें, लेकिन माने नहीं वो। ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। तो मुझे यहाँ से आज मछली नहीं मिली। ये बड़ा मज़ेदार एक मंज़र है। मछली तो बाज़ार से भी मिल जाएगी, लेकिन मैं एक्चुअली यहाँ आया था इसका इस मौसम में यहाँ से फिश लेने का मज़ा देखने के लिए। एनीवेज, यार कब आना है उस मछली के लिए, कब मिलेगी? आज नहीं है, कितने बजे से कितने बजे तक होती है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यार? ठीक है। वाह यार, ये तो बड़ी ज़बरदस्त है, इसी की तलाश में आए थे। गरम गरम जलेबी उधर से मिलेंगी? अच्छा है, जबरदस्त। ये और के रखे है जैसे? अच्छा है, उतर के पे आए हैं वाला। और मिक्स पकोड़े भी है ने उधर ने? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं? ठीक हैं। आलू वाले बीज ज़्यादा पाना ज़रा। और वो जो बाहर ऊपर अंदर से पड़े हुए हैं, ये वाली दे दे, ये जो है। जलेबी जो गरम वाली निकली हो, बारिश का मौसम और जलेबी। ये किस वक्त तैयार होंगे, कितनी देर में तैयार हो जाएंगे? ऐसा मौसम मिले तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे।